मैंने बहुत कोशिश की हाँ, पर मम्मी ने देख ही लिया तुम दोनों को। पता है कितनी भड़की हुई थी वो, डैडी को भी तीली लगाई। कुछ भी बोलती है। अरे वही बोल रही हूँ जो सच है। वैसे दीदी तेरा और समीर का कुछ चल रहा है क्या? अब पूरब होता ना तो पूरे पिंड में मेरी भी टौर हो जाती। अब समीर से तो पूरब बहुत बढ़िया है यार, हैंडसम फौजी। वाह यार, वैसे तो मान या ना मान पर वो भी तुझे लाइक करता है। यहाँ लव भी हो सकता है यहाँ, तेरे पास उसका नंबर है, वो ऑनलाइन पे है क्या तेरे साथ? बता ना दीदी। कितनी बकवास करती रहती है, अपने आइडिया ना अपने पास रख, नहीं तो रोको स्कूटी, उतारो तुझे अभी। ऐसा क्या कहा मैंने? मरवाएगा क्या अंधे? सब ठीक से रख लिया ना? चल अब उतरने का टाइम आ गया है। हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। चलो जी आगे चलो। पुत्र तेनू चोट तो नहीं आई? और कौन था वो ऐसे क्यों धक्का दे गया तुझे? मेरा बाप। हाय रब्बा। अंग्रेज इसे लगी है, इसे उठाकर अंदर ले जा। काके पानी पी ले। पुत्र क्यों किया ऐसा उसने? काम नहीं करता था ना इसीलिए, काम मिलता ही नहीं है। पुत्र तेरा नाम क्या है? गोपी। कहाँ का रहने वाला है? बंगा। और वहां का रहा तेरा? पुत्र तूने कुछ खाया पिया है कि नहीं? अंग्रेज इसे रोटी खिला, भूखे को रोटी खिलाने से बरकत मिलती है। और हाँ इसे दवा भी दे देना, ये लगा ले। ठीक है बेबे। काके अब तू जाएगा कहाँ? तेरा कोई रिश्तेदार है आसपास? आगे आगे ठंड पड़ रही, कितने जाएगा तू? ठीक है तू यहां बैठ, मैं तेरे लिए दवाई लेके आता हूं, खाना भी खिलाता हूं तुझे। चंगा की खड़ा है पुत्र, आजा आजा। आ, मेरा शेर। हाय, मैं सद के जावा, सुंदर है मेरे बच्चे, सुंदर। ओए पुत्र ओ टाबे ते तेरा। की देख रहा है? मेरे को पता है बचपन से तेरी नजर इस बंदूक पर थी, ले आज से ये तेरी। पुत्र इस बंदूक का अब असली हकदार तू ही है। तेरा कमांडर मिलिया सिगा बता रहा था कि तेरे बारे में बहुत अच्छी खबर आने वाली है। पुत्र तेरे पापा जी की कोई इच्छा है अपने इस वर्दी की लाज रखी। तेरे बाप दादा की इज्जत अब तेरे हाथ में है, साडा सर कर देना झुकन नहीं पुत्र। नहीं पापा जी ऐसा कभी नहीं होगा। चूहा पहुंच चुका है।
चूहे से कहो कि कुतरना शुरू कर दे। ये ले, पकड़। ओहो, अंबार लगा दिया तूने तशालों का। हर बार नया ले आता है। क्या माँ के लिए कुछ और नहीं मिलता शहर से? अरे मेरी माँ, तू बता दिया कर ना तुझे क्या चाहिए, मेरा क्या है, मैं वही ले आऊंगा। अच्छा, मक्खन मत लगा। मैं क्या जानती नहीं तुझे, पिंड में आते ही सबसे पहले तू कहाँ मथा टेकने जाता है? बुआ जी का चमचा गया था ना वहाँ पे। अरे मेरी माता, पिंड में आती सबसे पहले ढाबा आता है। पैरी पहना ना करूँ तो मेजर साहब नाराज, और करूँ तो तू नाराज। मैं भला क्यों नाराज होंगी, ननंद है भाई मेरी। वीर जी, पूरा हेलो। आगे बड़ी लंबी उम्र है तेरी बुआ जी की, सबको मार के मरेगी। माँ मजाक कर रही हूँ, चाय बना के लाती। मैं तू बहुत भोली है, कुछ समझती ही नहीं है। पता तेरे बड़े होने का कितना इंतजार किया, बस बहुत हो गया इंतजार। अब तेरे मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। नहीं, ये क्या बोलेगी, बोलने को रह क्या गया है? अब अपनी आंखों से देखा मैंने इसको। मासी, मैं सर समीर को बेबे के पास छोड़ने गई थी। क्यों, तू क्यों गई थी? उसके घर वाले, उसके यार दोस्त, उसके बेली सब मर गए थे क्या? ना तू ही क्यों ले लेके घूमती है उसको? ना शरीफ घरों की लड़कियाँ ऐसे घूमती हैं, और वो भी ऐसे अवारा गर्द लोगों के साथ। क्या लगता है वो तुम्हारा? अब बस करने में। मेयर बेटा मुझे बता, समीर के साथ खबरदार किसी ने उस छिछोरे का नाम इस घर में लिया तो है? ऐसे बदमाशों को तो लोग गलियों में नहीं घुसने देते, स्कूटर पे बिठा के घुमाती है। ना करता क्या है वो छिछोरा, दिल्ली की इज्जत नहीं है उसकी, पिंड में अत्ते पिंड से उधार ले रखा है। और वो उसकी माँ सारा दिन ढाबे पे करती रहती है। 100 तरह के लोग आते हैं, 100-100 बातें होती है सारे पिंड में, पर ना जी ना, काम तो उसी ढाबे पे ही करना है। ना गल सुनो, अगर घर पे बैठती तो उसका भाई उसे तो रोटी नहीं खिलाता। पर कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, छाती पे रख के लेके जाएगी वो। बेबे के उस ढाबे से आर्मी विधवाओं का घर चलता है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बेबे को इसमें मत घसीटो। क्यों ना घसीटो, एक नंबर की मतलब परस्त कुन्नी औरत है तेरी बेबे, सुन ले। बाल सुना, ना तूने जुबान चलानी कब से सीख ली है? देख लो अपनी आंखों से, औरत इसको शह दे रही है, भड़का रही है हमारे खिलाफ। अभी भी समझ में नहीं आता? आपके बस का ना कुछ नहीं है। ले मैं बोलती हूँ, कान खोल के सुन ले, आज के बाद तू समीर से कभी नहीं मिलेगी। ना बेबे से मिलेगी, ना उसके घर जाएगी, ना उसके ढाबे पे, समझी? बेबे मेरी माँ है, उसका परिवार मेरा परिवार, वो मेरे हर सुख और दुख में मेरे साथ रहती है, तो मैं भी हर सुख और दुख में उसके साथ रहूंगी। परछाई हूं मैं उसकी, और उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। लो सुन लो, जुबान निकल आई इसकी गिट पर लंबी। ना जिसको आपको बोलना है उसको तो बोलते नहीं हो, इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा आपका? मेयर तो ऊपर जा। और मासी, जहां तक बात है घर से बाहर रहने की, वो इसलिए क्योंकि आपसे मेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती, और आपको तकलीफ ना हो इसलिए घर से बाहर रहने के बहाने ढूंढती रहती। मेयर, मैंने कहा तो ऊपर जा। सुन लिया अपने कानों से, इसी का ही बाप हो कि अपने दो बच्चे में दहेज में लेके
लेके आई हूँ। तो चांदी क्या है? उसके पीछे जाओ, उसको धमकाओ। आपके बस का कुछ नहीं है अब। ये बेबे की शय पे हो रहा है ना सब। मैं बताती हूँ बेबे को, रोज रोज का तमाशा बना रखा है। मैं करती हूँ उसके घर पे तमाशा आज। कल ढाबे पर बहुत काम है, लोहड़ी का दिन है और काम करने वाले कम। ओ मैं आ जाऊंगा, अब तो पूरब भी आ गया है। तो हुकुम तो कर बहना। ओ चनिया आ जाएगी, इसको कौन से घर में बच्चे खिलाने हैं। बेबे, अरे आओ आओ, निमी बड़े दिन बाद आई, आओ। नाचरी का बैठो बैठो जी। बेबे, शिकायत लेके आए हैं हम। अब क्या हुआ? ये समीर और मेर की धम्मा चौंकड़ी सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। सारे पिंड में ना थू थू होती है। आहो जी, जब औलाद चंगी ना हो ना, दुख तो होते ही है। ये समीर का ना कुछ करना पड़ेगा, मैं तो तंग आ गई हूँ इसकी हरकतों से। बेबे का लाडला जो है बेचारा भोला ही रह गया। भोला? भोला भोला कोई नहीं है, वो पूरा चंट है चंट। मेर के साथ ऐसे ही नहीं घूमता, कुछ कहो तो बेबे के नाम की पर्ची फाड़ देते हैं। अब बेबे आप ही रोक लो, नहीं तो मैं अपने तरीके से रोकूंगी। बोलो। ओ बहन जी, आप अपनी मेहर को भी तो समझाओ भाई, हमारा समीर जबरदस्ती तो नहीं। निमी, अपनी थोड़ी अक्कल लगा, दिमाग है कि नहीं तेरे पास? दोनों बचपन के दोस्त हैं, मेरी निगरानी में रहते हैं। अगर तू इस तरह से अपने बच्चों पर शक करेगी तो वो भी तेरी इज्जत नहीं करेंगे। हाँ। जा घर जा, मैं उन दोनों को खुद समझाऊंगी। और बेबे, समझाने का वक्त अब गया, इन दोनों का मिलना जुलना बंद करो बस। मैं तो बस यही चाहती हूँ। वो बात ये है जी कि मेहर की ना उम्र हो चली है जी, सोचते हैं कोई चंगा सा मुंडा देख के इसे तोड़ दे आंगे। परीता। हाँ, जिंदा रहे, जिंदा रहे। परीता। हाँ, जिंदा रहे। मैं आप ही की तरफ आने वाला था, स्पेशल डोडा नवेशहर का, खास आपके लिए। क्या बात है, बड़ा कमीरा है मेरा पुत्र, बहुत से रिश्ते आ रहे हैं इसके लिए, पर ये हाँ तो करे। लो जी, अब जब पूरब के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो मेहर के लिए भी तो ढूंढ लो ना परजाई। क्यों बेबे, ठीक है ना? बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, इन दोनों को अक्ल तभी आएगी जब ये अपने अपने रास्ते लगेंगे। बेबे तू भी ना, बात से बात को जोड़ती है, अब क्या किया मेरे भाई ने? कुछ करे तब ना। चल ठीक है, 100% की एक बात बोलता हूँ, अगर मैं समीर को काम धंधे पे लगा दूँ तो। कुछ रसूख मेरा भी है इलाके में, बोल चलाऊँ उसकी बात? क्यों पापा जी? हाँ बेबी, ये समीर जब तक इस पिंड में रहेगा ना तो मेरे मेहर के हाथ में तो बदनामी लगेगी बस। बेबे आपने वादा किया है, अपना वादा याद रखना। चलो जी चलिए, उठो। चलो चलो। बोल बेबे, करूं उसकी नौकरी का जुगाड़? एक जगह बात चला सकता हूं। ठीक है। वो तेरी बात कभी नहीं टालेगा,
ठीक है बेबे, एक दो दिन का टाइम दे, रेलवे में उसकी नौकरी की बात चलाता हूँ, कल ढाबे आने से पहले बात करता आऊंगा। हाँ पर एक बात है, उसे पिंड छोड़ के जाना होगा। हाँ पर एक बात है, उसे पिंड छोड़ के जाना होगा। बेबे, इसका क्या करें, कल रात का यहीं पड़ा, बहुत गिड़गिड़ा रहा बेचारा। क्या चाहता है तू? मुझे काम दे देते तो घर वालों ने इसी वजह से घर से बाहर निकाल दिया। आप मेहरबानी कर दे तो। अंग्रेज, इसे सरजू की जगह रख ले। पता नहीं लोग अपने बच्चों को अपने से कैसे अलग कर लेते हैं। काके, तू ऐसा कर, पीछे कमरा है ना, वहां जाके अलमारी में अपना सामान जमा ले और फटाफट से वापस आ जा, क्योंकि बड़े साहब आने वाले हैं, उनका टेबल भी लगाना है। बिल्कुल सही जगह पे भेजा है आपने, फौजियों से भरा पड़ा है। इत्तला करता रहूंगा, खुदा हाफिज। बेबे देख, मुझे ये बंदा गड़बड़ लगता है, मैं कहता हूं अभी निकाले इसे। पुत्र, तू भी खाम खा किन बातों में पड़ गया, मैं हूं ना, शांत हो जा। ओ हैप्पी लोहड़ी सर जी, ये लो जी। आ, आ। लोहड़ी तो पक्का हैप्पी वाली है अंग्रेज। उसको भी लाऊं बेबे के लिए। बात हो गई है मेरी, जलंधर जंक्शन पे पोस्टिंग है, परसों जॉइनिंग, पैसे ठीक ठाक है और सरकारी नौकरी है, और क्या चाहिए मेरे भाई को। तो एक काम कर, उसका बोरिया बिस्सा बांधना शुरू कर। आप समीर बाबू जी के बारे में बात कर रहे हैं? और नहीं तो कौन, एक ही तो झल्ला भाई है मेरा, जिसने बेबे के नाक में दम किया हुआ। पर परेशान ना हो, अब नहीं करेगा। चल बेबे, मैं चलता हूं, तू तैयारियां शुरू कर। जी सर। बेबे, तू उसे जलंधर भेज देगी?
और नहीं तो क्या है? वो आज तक एक दिन भी रहा तुझसे बगैर। देख बेबे, जुलम ना कर, उसे मत भेज। दुनिया की सारी औलाद जाती है दूर काम करने, उसके सर पर कोई सिंग नहीं लगे हुए, सीख जाएगा अकेले रहना। हीरा साथ चढ़ा, और अंग्रेज तू जले भी निकाल। खुशी का दिन है आज। करता ही रहता हूँ ना, पहले टुल्लू पंप की दुकान की, उसके बाद पैसे से आज का बिजनेस भी तो किया, और तो और स्टील के बर्तनों की दुकान भी दुकी थी। अब तो आटा गूंदना सिखाओ मुझे, यही तो रह गया शहीद दिलजीत सिंह अटवाल जी के बेटे की किस्मत में। खिला देना, भूख लग रही है। पहले तो कसम खा, हमेशा अपनी अक्ल से काम ले।